सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। सो गाइज अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और मैं ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ बिकॉज आज के ब्लॉग में मैं तुम लोग को दिखाऊंगा भाई यहाँ की दुर्गा पूजा वगैरह। वैसे तो यहाँ पर भी एक पंडाल लगा हुआ है हमारी तरफ, बट वो उस पर मैं 2-3 बार जा चुका हूँ, ठीक है। अभी जब से आया तब से वहीं पर ही हम लोग, तो आज हम कहीं और जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो आएगा गाड़ी वाला शाम को 5 बजे, फिर मैं तुम लोगों को वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई, देखो सामने उस साइड मेरा घर है, ठीक है, साइड अपना घर है। जैसे अपनी तरफ होते हैं ना लोग बाथटब वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए लोगों के पास अपने पर्सनल तालाब है भाई। हर घर के पास अपना एक पर्सनल तालाब, मतलब अगर मेरे को तैरना आता तो तुम लोग यहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अभी मैं तुम लोगों को मार्केट वगैरह दिखाता हूँ यहाँ की, और आगे जिस मार्केट के उधर ना समुद्र है, तो अभी मैं तुम लोगों को ना मार्केट और समुद्र दोनों दिखाता हूँ, ठीक है। तो एंड तक बने रहना ब्लॉग में। हरियाली देख रहे हो भाई, हर तरफ तुम लोगों को यहाँ पर हरियाली मिलेगी। और ये जो स्कूल तुम लोग देख रहे हो ना, ये बेसिकली ना ये स्कूल है, इसमें मेरी मम्मी मौसी मामा वगैरह सब पढ़े हुए हैं। बेसिकली ये वाला जो स्कूल है ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, जब कभी भी यहाँ पर बाढ़ या सुनामी टाइप हालात हो जाते हैं तो इसी स्कूल में लोग छुप कर या चढ़ कर लोग अपनी जान बचाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ बह जाता है बट ये स्कूल नहीं बहता, और इस स्कूल ने न जाने कितनी बार इन लोगों की जान बचाई होगी जो यहाँ पर रहते हैं। जब कभी भी यहाँ समुद्र का पानी घुस जाता तो लोग यहीं पे आकर स्टे करते हैं बेसिकली। तो स्कूल एक्चुअल में एक सेवियर का काम करता है, ठीक है। तो अभी आगे चलते हैं, मार्केट दिखाते हैं, और उसके बाद फिर सीधा शाम को बात करेंगे जब वो गाड़ी वाला आ जाएगा। तो भाई रास्ते में मेरे को मिल गए मामा, ये मेरे बीच वाले मामा हैं, इनकी शॉप भी आ गई है कपड़े की। हेलो बोलो मामा। ओके कोई नहीं है, वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, और क्या, अब यहाँ से तो चले जाएंगे, तुम तो जाओगे नहीं साथ में, तो वीडियो ले जाऊँगा मैं तुम्हारे, ठीक है। तो इनकी बेसिकली 2 शॉप्स हैं कपड़े की, ये भी मार्केट आ गई है मार्केट में, तो वो भी दिखाएंगे। मामा बस यहाँ पर थोड़े काम से आए थे, अब जा रहे हैं वापस से शॉप पर। क्यों मामा, ये बोलेंगे नहीं कुछ, ठीक है। तो अभी मार्केट दिखाते हैं। तो ये आ गई अपने मामा की शॉप, ये बैठे मामा। चलो अभी आगे चलते हैं, ये दूसरी शॉप है मामा की, इस पर भैया बैठते। सो ये जो एरिया है ये है यहाँ का भाई, काइंड ऑफ यहाँ पे बोट आके रुकती है ना, जहाँ पर कल हमारी बोट आके रुकी थी, तो यहीं पे बांध देते हैं वो सारी चीज़ें, और यहीं से इस वाले ब्रिज से लोग आगे चले जाते हैं। ऐसे यहाँ पर 3 है, अगर आगे देखोगे तो इस साइड भी तुम लोगों को नज़र आएगा बोट भाई वहाँ पर खड़ी है, एंड वहीं से लोग उतर के जा रहे हैं, ये वाला सीन है। और अगर तुम इसके आगे चले जाओगे ना सीधे चलते चलते, तो आगे फॉरेस्ट स्टेशन पड़ेगा, और देन ये सीधा मिल जाती है वाली नदी सीधा सागर से, ठीक है। आगे भी वो ये वाली जो आप बोट देख रहे हो ना ऑरेंज कलर की, ये वाली बेसिकली जो फिश वगैरह नहीं पकड़ते हैं, ये वो वाली बोट है भाई। यहाँ पर बैठ के जब शाम को लोग बात करते हैं, हम लोग यहीं पर आ जाते हैं शाम को, यहाँ पर बैठने के लिए स्पॉट्स बना रखे हैं पिलर्स सीमेंट के, एंड काफ़ी शाम को इतनी मस्त वाइब आती है ना यहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ। शाम को लोग बैठते हैं, चिल मारते हैं, बात करते हैं, गपशप करते हैं, हमारी तरह फ़ोन में नहीं लगे रहते जैसे इस टाइम पे मैं लगा हुआ हूँ ना फ़ोन पे, बट खैर मैं तो ब्लॉग बना, तो भाई इस टाइम मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो जो इस टाइप के जो लोग हैं ना जो उतर रहे हैं वो मेरे को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या चूतियापंती ये बदना कर रहा, ठीक है। और अक्सर यहाँ पर जब किसी का ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है ना, तो वो अक्सर सुसाइड अटैम्प्ट भी कर देता, पर चूतिया ये भूल जाते हैं कि उन्हें तैरना आता है, और तैरना आता है और यहाँ आते हैं सुसाइड करने के लिए कई बार। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बकचोदी थी ये, तो इसको इग्नोर मार देना, ठीक है। तो अभी यहाँ तक इतना ही, अब मिलते हैं सीधा शाम को जब जाएंगे ना दुर्गा पूजा देखने का, तो अब सीधा वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो गाइस फाइनली पहुँच गए हैं, ये इसका पैसेज है पीछे तक जो जा रहा है, और मैं अभी तुम लोगों को आगे से दिखाता हूँ, ठीक है।